खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नागदा नगर पालिका की लापरवाही से जनता को पीना पड़ रहा है दूषित पानी। ये जानकारी हमें वार्ड क्रमांक 10 नागदा निवासी शैलेंद्र सिंह चौहान और कैलाश शर्मा जी ने बताया कि हमारे वार्ड में कई दिनों से शहर और हमारे वार्ड में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। हमारे द्वारा कई बार अधिकारियों को इससे अवगत भी करा चुके हैं। गौरतलब है कि हमारी नागदा नगर पालिका सिर्फ झूठे वादे कर जनता को बहला रही है और नागदा में सफाई के नाम पर बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, पर शहर कई वार्ड में गंदगी अपने पैर पसार रही। नंबर 10 के अंदर मटमेला पानी, बदबूदार पानी आ रहा है, इसके लिए आपका क्या कहना पड़ रहा है? आपने कहाँ अभी तक शिकायत की? 2-3 दिन से लगातार इस तरह का पानी आ रहा है। आज सुबह भी जब नल आए और पानी हमारे द्वारा भरा गया तो पानी मटमेला और बदबूदार आ रहा, जिसको मेरे द्वारा एक बॉटल में सुरक्षित भी किया गया है, जिसकी मैं आज संडे होने के कारण आधिकारिक रूप से शिकायत तो नहीं कर सका, लेकिन कल उनकी अवश्य रूप से शिकायत करूँगा। कितना समय हो गया इस पानी को गंदा हो गया? 3-4 दिन से आ रहा है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप के द्वारा SDM महोदय को, जनता दीदी को दोनों वीडियो और इस बाबत की सूचना दे दी है किस किस तरह का कार्रवाई करें। इस तरह का मटमेला पानी आ रहा है, करोड़ों रुपए की जल आवर्धन योजना का ढिंढोरा शासन पीट रही है, उसके बावजूद इस तरह का मटमेला और बदबूनुमा पानी अगर जनता को पीना पड़ रहा है तो इस क्षेत्र की जनता का और हमारा दुर्भाग्य है। जनप्रतिनिधि की लापरवाही इस पानी के रूप में हमें देखने को मिली। मानो अगर आपका पानी की जो समस्या उठाई आपने, अगर इसका आपको सुनवाई नहीं होती है, आपको उनको तो कार्रवाई नहीं होती है, स्वच्छ पानी नहीं, तो आप ऐसा ही क्या करोगे? देखिए, अगर स्वच्छ पानी नहीं आता है इसके बावजूद भी, तो इसके लिए कलेक्टर और आगे जल विभाग न्यायालय क्यों रुख करें, क्योंकि स्वच्छ पानी पीना हमारा अधिकार है और नगर पालिका का दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पानी उपलब्ध कराए, जो कि नहीं किया जा रहा है। इसलिए एक शिकायत करते हैं, शिकायत के बाद अगर वो नहीं करते तो आगे जो भी रूपरेखा है वो करेंगे। नागदा से राकेश कानूनगो की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।